हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम शुरू करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 12th का, ठीक है, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, इसको शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो अपना स्टार्ट करेंगे, हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम फंक्शंस के बारे में। आज के लेक्चर्स के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट हैं जो रिलेशन से रिलेटेड, इसकी टाइप्स हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। किसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं हमारे पास, ठीक है। गिवन दैट टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मान लीजिए पी एंड क्यू आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द पी कार्टेशियन क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम पी टू पी एंड क्यू। दैट इज, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो पी कार्टेशियन क्यू आपके पास क्या बनेगी, पी और क्यू आपका इनका कोई एलिमेंट्स का पेयर बनता है, जहां आपके पास जो पी एलिमेंट्स है वो पी सेट को बिलोंग करेगा और स्मॉल क्यू एलिमेंट्स है जो वो आपके क्यू सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। इस हिसाब से जितने भी इनके ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सब आपके कहलाएंगे। और अगर आपके पास किसी पेयर, ये जो पेयर हमारे पास है, जैसे दो की प्रोडक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम तीन की प्रोडक्ट करते हैं ए बी सी, ठीक है, तो इससे जो आपके ऑर्डर पेयर बनते हैं ए बी सी, इनको हम पेयर ना कहकर ट्रिपलेट कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ए, आपके पास ए एलिमेंट को, बी आपके पास बी सेट को, सी एलिमेंट सी सेट को बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, मान लेट कर लेते हैं पी के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है आपके पास और क्यू के अंदर एलिमेंट आपके पास 4 5 है, ये दो सेट है आपके पास। पी क्रॉस क्यू में क्या होगा आपके, 1 4 1 5, ठीक है, जो पेयर पॉसिबल है, 2 4 2 5 एंड 3 4 3 5, क्लियर, ये आपके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ऐसे ही आप क्यू पी की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्यू क्रॉस पी नॉट इक्वल टू पी क्रॉस क्यू कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्रॉस क्यू कहीं या क्यू क्रॉस पी कहीं, ये आपके पास नंबर ऑफ पी इंटू नंबर ऑफ क्यू की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल बनेंगे आपके पास हमेशा ही, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इनके अंदर आपस में इक्वल बनेंगे। इसके अंदर ये हमारे पास कार्टेशियन जो प्रोडक्ट बनती है एक प्रकार का आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है, ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, एक प्रकार से यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ ए। दैट इज रिलेशन जो हमारे पास बन जाता है एक प्रकार से, वो क्या हो जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ए, इससे जो पेयर बनते हैं वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं हमारे पास एम्प्टी रिलेशंस की, ठीक है, रिलेशन है क्या चीज है इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे क्लास प्लस वन में हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में ऑलरेडी, ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से, उसके अंदर आपने सीखा है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे दोबारा। एम्प्टी रिलेशन अब किसको कहेंगे, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स इसके अंदर आपके पास जो रिलेशन रहेगा वो आपका फाई रहेगा, ठीक है। मीन्स ए सेट अगर आपका कोई है तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे ए सेट के एलिमेंट से ना बिलोंग करता हो तो वो ऐसा रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जनरल सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में कि हम रिलेशन को किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, कैसे हम रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। रिलेशन में क्या रहता है आपके पास, इसमें हमारे पास कोई भी दो सेट दिए गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कोई दो सेट दिए गए अलग अलग, हमारे पास ए सेट दिया गया ए, इसके अंदर या नाम लिख लें राम श्याम विजय, ठीक है, एंड बी सेट आपके पास दिया गया, ठीक है, गीता
कैविश, काश्वीन, ठीक है, ये दिया गया। अब रिलेशन क्या दिया गया आपको? रिलेशन दिया गया ऑर्डर पेयर ए बी, जहां ए आपके पास बिलोंग करता है ए सेट को और बी एलिमेंट बिलोंग करता है बी सेट को, ठीक है। रिलेशन क्या है यहां आपको स्पेशल मेंशन करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आप देखें राम गीता, राम कैविश, राम काश्वी, ये सभी पेयर बनते हैं, लेकिन यहां स्पेशल आपके पास क्या रहेगा, हमें देखना होगा कि जो रिलेशन जिस बात के बारे में कहा गया है, ठीक है, जनरल जैसे हम अपने ह्यूमन बींग्स में रिलेशन देखते हैं उस पर बात करें, ए इज ए फादर ऑफ बी, मतलब ए बी का फादर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब जैसे इसमें मानते हैं हमारे पास राम है, मान लेते हैं इनमें से किसी का फादर नहीं है, श्याम है हमारे पास, श्याम किसका फादर है, गीता का, ठीक है, और विजय केविश और काश्वी का, तो विजय का रिलेशन दोनों से बन जाएगा, विजय केविश एंड विजय काश्वी, क्लियर। ये आपके पास इसमें हम क्या लिखते हैं, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पेयर को लिखा जाता है जो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करें, जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो हमारे पास रिलेशन के अंदर नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ही हम कोई और सेट ले लेते हैं, ए मान लीजिए आपको 1 2 4 दिया गया सेट, और बी दिया गया आपको 1 4 7, क्लियर, और रिलेशन आर दिया गया आपको, ए बी ऑर्डर पेयर हो गया आपके पास, ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी सेट, ठीक है, और रिलेशन क्या दे दिया इन्होंने इसके अंदर हमें, ठीक है। रिलेशन हम मान लेते हैं कुछ भी हमारे पास, ग्रेटर देन का मान लें, लेस देन का मान लें, ठीक है, आप किसी भी रिलेशन पर बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मान लेते हैं ए इज लेस देन, लेस देन का रिलेशन ले लेते हैं, ए इज लेस देन बी, जो ए एलिमेंट है वो आपसे बी से लेस देन है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, अब वन आपके पास वन से लेस तो है नहीं, फोर से लेस देन है और सेवन से, और टू आपके पास फोर से लेस देन है और सेवन से, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ उन्हीं पेयर को लिखना होता है जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे हमारे पास, और फोर देखें आपके पास फोर ना वन से ना फोर से लेस देन है, फोर सिर्फ सेवन से लेस देन है, तो ये बन जाएंगे आपके पास। एक्चुअल में देखें 3 × 3 9 आपके ऑर्डर पेयर बनने थे, लेकिन रिलेशन में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ऊपर भी 3 × 3 9 एलिमेंट्स बनने थे आपके पास, पेयर बनने थे, लेकिन पेयर में रिलेशन में क्या आ रहे हैं, 1 2 3, सिर्फ तीन आपके पास पेयर आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से सिर्फ जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे हम उतने ही हमें उसके अंदर रिलेशंस लिखने होते हैं, ठीक है, बाकी को एक्स्ट्रा को हमें लिखना नहीं होता इसके अंदर। और पूछा जाए कि आपसे कि जितने भी हम जो भी जितने भी किसी प्रकार के रिलेशन बने, जितने भी रिलेशंस हैं, ठीक है, वो आपके पास हमेशा क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा ही सबसेट होंगे वो, क्लियर। और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने रिलेशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए एक के अंदर m एलिमेंट है, एक के अंदर n एलिमेंट है, तो m इंटू n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे उसके अंदर 2 की पावर mn, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला हो गया, और जो जितने सबसेट्स बन सकते हैं वो हर किसी ना किसी टाइप से वो रिलेशन ही हैं आपके, ठीक है, वो किसी उनमें से कौन सा दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। अब जैसे इसके अंदर 3 × 3 देखिए 2 की पावर 9, टोटल इनके अंदर 512 रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से ए इज फादर ऑफ बी, इसमें से सिर्फ एक ये रिलेशन था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये बताता है कि टोटल मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। आगे देखें हमारे पास इसी के अंदर एम्प्टी, और जैसे हमने यूनिवर्सल रिलेशन की बात की थी उसी पर बेस्ड हमारे पास हमारा एग्जाम्पल बात देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक का, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए आपको कहा लेट ए बी द सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल, ए आपके पास सेट है, आपके पास किस चीज का, ए क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, जो लड़कों का स्कूल है उसका सेट है हमारे पास, हमें शो करना है दैट द रिलेशन आर इन गिवन बाय आर, ठीक है, आर जो रिलेशन है आपके पास वो देखिए क्या दे रहा है, ए बी आपको ऑर्डर पेयर दे रहा है,
जहां ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए बी की बहन है, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास स्कूल के अंदर, क्योंकि बॉय स्कूल है, ठीक है, बॉय स्कूल है, तो उसके कारण क्या हुआ, कोई भी गर्ल्स उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। सेट ऑफ बॉय स्कूल, क्योंकि सो नो गर्ल्स इन स्कूल, इसलिए कोई भी लड़की स्कूल में नहीं है, ठीक है। सो तो क्या हो जाएगा आपके पास, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। इसलिए स्कूल का कोई भी स्टूडेंट स्कूल के किसी भी स्टूडेंट की सिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर बॉय स्कूल है तो लड़की ही नहीं कोई होगी, तो लड़की नहीं होगी। हैंस आपके पास क्या हो गया, आर इज इक्वल टू एक फाइव एम्प्टी सेट, ठीक है। सो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसलिए आर क्या हो गया आपका, एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। आगे क्वेश्चंस के अंदर में वो क्या कहा था इन्होंने, आगे देखें, एंड आर डैश ए बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स एंड ए बी इज लेस देन 3 मीटर्स, ठीक है, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। और आर डैश मतलब दूसरा रिलेशन दिया गया आपको, ए बी ये दिया इन्होंने, क्या कहा इसके अंदर हमें, कहा द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में, हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इज लेस देन 3 मीटर, क्लियर, ये दिया गया आपको। अब इसमें देखिए हमारे पास किसी भी इंसान की अगर आप हाइट देखिए, मान लीजिए कोई 6 फीट का आदमी भी है, ठीक है, तो वो 2 मीटर के अप्रोक्सीमेट गया, 2 मीटर के अप्रोक्सीमेट है, पूरा 2 मीटर बना नहीं है उसका, 6 फुट से भी अगर ज्यादा हाइट है तो वो 2 मीटर के आसपास जाएगा। और 3 मीटर का मतलब है कि किसी आदमी की हाइट 10 फीट तक हो जाना और दूसरे आदमी की हाइट 0 फीट होना, ठीक है। मैं अगर एक आदमी की हाइट 1 फीट है तो दूसरे की 11 फीट हो जाना, तो दोनों का डिफरेंस आपका 10 फुट बना, ठीक है। अब 1 फीट हाइट का जो स्टूडेंट है वो स्कूल में कभी पढ़ता नहीं है, ठीक है, और 11 फीट के हाइट का स्टूडेंट होता नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही केस आपके पास पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, ठीक है, लेस देन 3 मीटर ही होगा, ठीक है। सो आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर से लेस देन ही होगा हमेशा। सो आर डैश इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, इसलिए आर क्या बन जाएगा आपका, एक यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। मतलब आर डैश आपके पास क्या हो गया, ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया, ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपकी, क्लियर। आगे देखते हैं हमारे पास इसकी अदर टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में, वो क्या कहती है, क्या कहा गया उनके अंदर, उनके बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर हमें इतनी डिटेल के अंदर लिखना नहीं होता, अगर मान लीजिए इस चैप्टर के अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बड़े आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना, और एग्जाम आपके जो भी प्लस टू क्लास के एग्जाम है उनमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, उनमें आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट देखकर ही बताना होता है बस। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सेट की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या कहा जाता है, किस चीज के लिए कहा जाएगा इसको, रिफ्लेक्सिव कहते हैं इफ ए ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका तब कहलाएगा अगर ए ए पेयर आपके पास रिलेशन आर को बिलोंग करता हो, ठीक है, और ए आपके पास वो उस सेट को बिलोंग करता एलिमेंट हो, जितने मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट्स हो उन सभी के डबलेट आपके पास रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्सिव के साथ साथ हम एक चीज थोड़ी सी और चीज समझना चाहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, ठीक है, कि हम आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहेंगे, किसको नहीं, हम आइडेंटिटी रिलेशन किसको नहीं कहेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ए ए एलिमेंट्स हैं जो, ठीक है, आपके रिलेशन आर को बिलोंग करने चाहिए जहां ए आपके पास एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करता है, लेकिन ओनली इसमें जो कंडीशन लगती है आपके पास ओनली की लगती है, ठीक है, मीन सिर्फ यही आपके पास रिलेशन में होने चाहिए, अगर इनके अलावा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और है, ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन आइडेंटिटी नहीं हो सकता। जस्ट लाइक इट, मान लीजिए आपके पास कोई, हम बात करें ए एल सेट है आपके पास जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, एक रिलेशन है आपके पास जिसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 का प्लेयर है अकेला, ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास क्या हो गया, आइडेंटिटी है, यस, रिफ्लेक्सिव है, यस, लेकिन इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा एक एलिमेंट आ गया, एक पेयर आ गया, मान लीजिए 1 2 आ गया, तो ये आइडेंटिटी नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये चीज होनी चाहिए तब आपके पास वो सेटिस्फाई करता है, मतलब, ठीक है, तब वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है आपका, क्लियर। ऐसे ही हम बात करते हैं हमारे पास सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है, सिमेट्रिक के बारे में क्या कहा जाता है, इफ इफ यहां पर ध्यान देने वाली बात है हमारे पास, इफ ए बी पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर, वी इंप्लाइज दैट बी ए रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल, ठीक है, ए बी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, अगर कोई भी दो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं तो आपके पास अगर ए बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तब अगर हम उसका उल्टा दिखा दें, प्रूफ करवा दें, इंप्लाइज कर दें कि वो भी रिलेशन आर के अंदर है, देन आर इज सिमेट्रिक, अदरवाइज इज नॉट सिमेट्रिक। इसमें एक कंडीशन खास क्या रखनी होती है आपको, ए बी होना चाहिए, अगर ए बी नहीं है, जैसे मान लीजिए हम इस सेट की बात करें, ठीक है, ये आपके पास आपको क्लियर है रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी था, सिमेट्रिक है, या सिमेट्रिक भी है, ये आप देखें इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट वाला पेयर ही नहीं है, अगर पेयर नहीं है ही नहीं डिफरेंट एलिमेंट का पेयर, ठीक है, तो आप सिमेट्रिक नॉट की बात कह ही नहीं सकते, इसको नॉट सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट का पेयर हो, जैसे मान लीजिए अगर इसके अंदर आपके पास क्या होता, ए बी 1 2 का पेयर होता, ठीक है, और इसका उल्टा डिफरेंट एलिमेंट का पेयर हो गया ना, तो इसका उल्टा 2a इसके अंदर नहीं है, तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक बन जाता, लेकिन अगर इसका उल्टा 2 1 इसके अंदर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर ये पेयर ना भी हो, सिर्फ इन पर बात की जाए, तब भी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, 1 1 अगर हम डिफरेंट सेम पर बात करें, 1 1 का उल्टा 1 1 वो है, 2 2 उल्टा है, डिफरेंट देखिए डिफरेंट पेयर ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि इफ कह रहे हैं यहां पर, यहां जो बात की गई है वो इफ पर बात की गई है, इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसके अंदर क्या होता है, आपके पास वही बात, इफ ए वी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, वी इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, जैसे मैं इस पर ही बात करूं, इफ का मतलब क्या हुआ, ये दोनों पेयर होने चाहिए, अगर दोनों पेयर हैं तब आपके पास हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए सी भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तब वो आपके पास ट्रांजिटिव होगा, अगर ये पेयर ही नहीं है, ये पेयर ही पॉसिबल नहीं है, देन वो आपके पास रिलेशन ट्रांजिटिविटी ऑटोमेटिक हो गया। जैसे इस रिलेशन पर बात करूं मैं, ए बी 1 2 1 2 के साथ 2 3 या 2 4 ऐसा कोई 2 के साथ डिफरेंट एलिमेंट पेयर है इसके अंदर, है ही नहीं, ठीक है, वो ये कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, तो ये रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव के अंदर नहीं आएगा ये केस, ठीक है ना, इस चीज का हमें खास ख्याल रखना होगा। आगे हम देखेंगे इसके अंदर इसी टाइप के कुछ और रिलेशन पर भी हम बात करेंगे, जिनके अंदर हम देखेंगे कि आपके पास क्या बनता है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, उन सभी चीजों पर बात करेंगे। इसके अंदर आपके पास सिमेट्रिक, हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की बात की, ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे पास अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो ऐसा रिलेशन जो आपका कहलाता है वो उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी इन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड द ट्रांजिटिव, ठीक है, तीनों का तीनों हो, तब आपके पास वो हो जाएगा। अगर किसी को जूठा साबित करना है हमने,
तो हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू हेल्प, हमें एग्जांपल देना होता है हमेशा, अगर सही लिखना है तो हमें डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है उसको, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास, हम एग्जांपल्स लेते हैं इसके, इन्हीं पर बेस्ड। वैसे तो कंसेप्ट के अंदर एंटी सिमेट्रिक की भी बात आती है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी किसी चीज़ पर चर्चा नहीं करनी, ठीक है। अब उन पर देखेंगे हम क्या रहेगा हमारा। इसमें सॉरी ट्रांजिटिव के बारे में हमारे पास हो गया। ट्रांजिटिव के अंदर वो दोनों पेयर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वो पेयर ही नहीं है तो आपके पास, मीन्स इफ ट्रांजिटिव के बारे में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तब हम इम्प्लाइज करेंगे हमारे पास ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। अगर ये रिलेशन ही बिलोंग नहीं करते तो आपके पास आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो वो नॉट ट्रांजिटिव के अंदर है, ऑटोमेटिक तो आपकी बात चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप उसको डायरेक्ट लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव। कैसे, थोड़ा सा हम क्वेश्चंस करके देखेंगे और क्लियर होता चला जाएगा कंसेप्ट आपको। कोई एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसमें थोड़ी सी और बात क्लियर होगी। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर टू, इसमें हमें क्या कह रहा है ये, कहना लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। टी आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। मैं यहां पर आपको जो ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्टिव आपके हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताने की बनाने, लिखना तरीका नहीं करेंगे हम, लिखने का तरीका हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। आर आपको जो रिलेशन दे रहा है वो क्या कह रहे हैं, टी वन टी टू का रिलेशन है आपके पास, ठीक है, टी वन इज कॉन्ग्रंट टू टी टू, ठीक है। अब आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के लिए कॉन्करेंट होती ही होती है हमेशा, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉन्करेंट है, ठीक है, मींस अगर पहली ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉन्करेंट, मतलब बिल्कुल एक जैसी, अगर पहली ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के बिल्कुल एक जैसी है तो दूसरी पहली की एक जैसी होगी होगी, सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इसके अंदर पहले देखें दोनों पेयर पॉसिबल होने चाहिए। आपके पास पहली ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉन्करेंट है, दूसरी तीसरी के कॉन्करेंट है, तो पहली तीसरी जैसी हुई हुई है ऑटोमेटिक, सो इट इज ए ट्रांजिटिव। सो रिलेशन क्या बन गया आपका, इक्विवेलेंस, ठीक है। इसमें यही शो करना था, शो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमारा प्रूफ हो जाता है इसी के अंदर ही, क्लियर। मैं यहां पर आपको लिखने के मेथड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, हम सिर्फ इसको अगर हमें शॉर्टकट के अंदर आंसर देना सोचना हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल थर्ड में कह रहे हैं लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, एल इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर, जैसे मतलब ये हमारे पास बोर्ड होगा, इसी के ऊपर खींची गई लाइन्स होगी। आर आपके पास क्या चीज है, सेट किस चीज का, एल वन एल टू का पेयर है, ठीक है, जहां एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, ये चीज है। अब जैसे इसमें देखें, सबसे पहले हमें बात करनी है रिफ्लेक्सिव पर चेक करना है, हमें शो करना है कि आर सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव पर देखें, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल तो हो सकती है, परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, सो प्रूफ हो गया। दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर, एल वन है ये एल टू है, ठीक है, एल वन लाइन एल टू के परपेंडिकुलर है तो एल टू भी एल वन के परपेंडिकुलर हुई, सो ये सिमेट्रिक है। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, इट मींस ये क्या हुआ, दोनों लाइंस आपकी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल होगी, क्योंकि दो इंटीरियर लाइंस, लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का जोड़ 180 बन गया, तो ये पैरेलल हो जाएंगी आपकी, ठीक है, सो नॉट ए ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से। एंड नेक्स्ट देखिए आपके पास एग्जांपल नंबर फोर, उनको हमें किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर में हमें क्या क्या कह रहे हैं, हमें कह रहा है शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट वन टू थ्री, ठीक है, ए सेट दिया गया आपको, मान लेते हैं सेट क्या दे रहा है, वन टू थ्री, क्लियर, और आपको रिलेशन क्या दे रहा है, इसके अंदर ये पेयर दे रहा है, वन वन टू टू थ्री थ्री, वन टू टू थ्री, ठीक है।
मुझे प्रूफ करना है इज रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बिल्कुल क्लियर है, तीन एलिमेंट है तीनों के डबलेट हैं, सो रिफ्लेक्सिव क्या हो गया आपका? यस, सिमेट्रिक में डिफरेंट पेयर वन टू बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसका उल्टा वन टू वन सेट के अंदर नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के अंदर देखें वन टू और टू थ्री आपके पास है तो वन थ्री होना चाहिए था आपके पास, वन थ्री इसके अंदर नहीं है सो नॉट ए ट्रांजिटिव। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। एंड नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर फाइव, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ द इंटीजर गिवन वाई। ठीक है, आपको जेड क्या दे दिया, सेट दे दिया किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का सेट है आपके पास और रिलेशन क्या दे रहा है हमें, ए बी का ऑर्डर पेयर है आपके पास, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, दो से वो दोनों नंबर्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इन चीजों के ऊपर देखना हमें कि आपके पास क्या होंगे, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब रिफ्लेक्सी में देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आप रिफ्लेक्सी में क्या होता है हमारे पास, हम कोई भी दो नंबर लें उनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा और जीरो आपके पास टू से डिवाइड होगा, जीरो आंसर ही दे देगा, सो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक पर बात करते हैं, इसमें ए माइनस बी अगर टू से डिवाइड हो सकता है तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो बी माइनस ए वो भी टू से डिवाइड हो गया, आंसर सिर्फ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, डिवाइड तो हो जाएगा सो इट इज ए सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के अंदर देखें अगर ए माइनस बी टू से डिवाइड होता है और बी माइनस सी टू से डिवाइड हो सकता है तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, ऐड करने पर क्या हुआ, आपने एलसीएम लिया टू हो गया, वी से बी कैंसिल, सो क्या रिजल्ट मिला, ए माइनस सी ये भी आपके पास टू से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एलसीएम लेने पर हमारे पास क्लियर, तो आपके पास ए माइनस सी टू से डिवाइड होगा, इट मीन्स क्या हो गया, ये ए सी पेयर भी आपका बिलोंग कर गया सो इट इज ए ट्रांजिटिव। ठीक है, जनरल कोई भी नंबर सोच के आप देख सकते हैं, वो दो से नंबर बात कर रहे हैं हम, ये हमें गिवन थे तो उसके रिजल्ट्स के स्वरूप हमें क्या मिला हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर, आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है ये, आगे हम देखते हैं हमारे पास इसी एग्जांपल में फाइव पर बेस्ड ठीक बात कर लें या इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस हम किसे कहेंगे, हमारे पास मान लीजिए आपको कोई भी सेट ए दिया गया है, ठीक है, उसके हम पार्टीशंस कर लेते हैं हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री इस प्रकार से, ठीक है, या ज़्यादा कर लीजिए जैसे हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग के पार्टीशंस की बात करें, मान लीजिए ए वन हो गया हमारे पास, ये हमारा ए टू हो गया और ये ए थ्री हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, मीन्स इनके अंदर आपस में कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे में कॉमन नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर खास रहती है, इसके अंदर रहता है कि इक्विवेलेंस गिवन एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन आर्बिट्री सेट एक्स आर डिवाइड्स एक्स इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, मतलब जितने भी इसके बनाए, ए आई कॉल्ड द पार्टीशन आर अ सब डिविजन ऑफ एक्स, एक्स मतलब हमने बड़े के लिए यहाँ यूज कर रहे हैं सेट को। इसके अंदर कंडीशन वही चीज आपके पास, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, जो भी कंडीशन दी गई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो उसको रिलेट करते हो जो आपको रिलेशन के अंदर कंडीशन दी गई है। एंड सेकेंडली हमारे पास नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे, मीन्स आई नॉट इक्वल टू जे आपके पास हम कह सकते हैं, और इनका जो यूनियन अगर हम करें ए वन ए टू जितने भी आपके पास बनते हैं, ठीक है, वो आपका पूरा का पूरा सेट बन जाए, और इन सभी का अगर आप इंटरसेक्शन करें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आए, फाई आए, ये सभी के अंदर निकालेंगे तब भी अगर आप दो दो के बीच में, मतलब आई और जे के अकॉर्डिंग में मैं कह लूँ दो डिफरेंट ले लिए, कोई भी दो डिफरेंट ले वो आपके आपके क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट्स होने चाहिए। अब इसी पर बेस्ड आपके पास हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर सिक्स की, हमें कह रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए, सेट ए क्या दे रहा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स सेवन, आपके पास ये सेवन एलिमेंट्स दिए गए हैं, बाय द आर रिलेशन हमें दे रहा है, आर जो रिलेशन है जिसका ऑर्डर पेयर ए बी है आपके पास वो इस प्रकार से है, बॉथ ए एंड बी आर आइदर आपके पास इव ऑड आर इवन, ठीक है, आइदर ऑड और इवन, क्लियर, ये कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है आगे क्या है यार, आपको फर्दर शो डेट द सॉरी शो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस शो करना है, मीन्स तीनों शो होंगे ही, फर्दर शो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव सेवन, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ द
सबसेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट ऑफ 2, 4, 6। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम इक्विलेंस करने के लिए इसके रिफ्लेक्सिव पर बात करते हैं। आप इसमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट या तो ओड होगा या इवन होगा। जो इन्होंने पेयर कहा कि बोथ ओ ए एंड बी आर आइदर ओड, या दोनों ओड हो या इवन हो, आपने जो भी नंबर लिया उसका दूसरा एलिमेंट वही सेम हो जाएगा, ऑब्वियसली दोनों ओड हो जाएंगे या इवन हो जाएंगे, सो रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक पर। ठीक है, आपने कोई भी मान लीजिए 2, 4 का पेयर लिया, तो उसका उल्टा क्या बनेगा, 4, 2 का। अगर वो पहले इवन थे तो बाद में भी इवन है। मान लीजिए 1, 3 का पेयर लिया आपने, तो अगर पहले वो ओड थे तो बाद में भी उल्टा 3, 1 भी ओड होंगे। ऐसे ही आपके पास सिमेट्रिक हो गया। सो ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम। ठीक है, इसमें मान लीजिए 3 एलिमेंट 1, 3, 5 पर बात की हमने, 1, 3 का पेयर ओड गए, 3, 5 का पेयर ओड गए, तो 1, 5 का पेयर भी क्या होगा, ओड का ही बनेगा। अगर इवन का बन रहा है तो इवन का बनेगा आपके पास। ठीक है, सो इट इज ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों चीजें सेटिस्फाई कर गई। सो ये रिलेशन क्या बन गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशंस बन गया आपके पास। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा हमें इन चीजों के बारे में करने के लिए। अब देखें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट क्या है, ऑल द ओड नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2, 4, 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल ऑफ देम आर इवन नंबर, एंड नो एलिमेंट ऑफ द 1, 3, 5, 7 कैन बी रिलेटेड टू एलिमेंट 2, 4, 6। ठीक है, क्योंकि ना इसका एलिमेंट कोई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 1, 3, 5, 7 आपके पास सारे इवन नंबर्स हैं, सॉरी ओड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हो गए। मीन्स एक प्रकार से हम पार्टीशन में बात करें तो दो क्लासेस बन गई हैं इसकी। ठीक है, मान लो अगर आप इसको ए वन कह लें, इसको ए टू कह लें, तो ए वन ए टू। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट आपका जो ए सेट है वो इस प्रकार से दो पार्टीशन के अंदर डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब आपका जो कोई भी एलिमेंट 1, 3, 5, 7 का इससे रिलेटेड नहीं है, और 1, 3, 2, 4, 6 का एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को कर देना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने इस लेक्चर्स के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, उनके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से बिना लिखे डिटेल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें। हम अपनी जो एक्सरसाइज 2.1.1 के क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर हम पूरा डिटेल के साथ लिखने मेथड के साथ कि कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, किस ढंग से उसको हमें लिखना है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से इसको जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।